हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग दो स्मार्टफोन को कंपेयर करने वाले हैं। वो है हमारा पहला उबलता हुआ लावा जैसा गर्म फोन पोको का F1, मार्केट में बहुत ही तहलका मचा रहा है। दूसरी तरफ है हमारा एसुस का जेनफोन 5G, जिसने काफी तहलका मार्केट में मचा रखी है। दोनों ही स्मार्टफोन में खास बात यह है कि दोनों ही स्मार्टफोन बजट में आते हैं और हाई एंड चिपसेट के साथ में आते हैं। तो आप दोनों को ये दोनों ही फोन कंपेयर करके दिखाएंगे कि कैसा ये दोनों स्मार्टफोन रहता है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ये दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं टेक स्काई। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैंने एसुस का जेनफोन 5G खरीदा है और आप अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं वो एसुस के जेनफोन 5G से ही रिकॉर्ड की जा रही है। दोस्तों, इसके पहले जो मेरे पास फोन था वो था सैमसंग का S7 Edge, उससे मेरी वीडियो रिकॉर्ड होती थी, लेकिन अभी मैंने एसुस जेनफोन 5 से अपना पहला वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया है। दोस्तों, आप लोग मुझे बताइए कंपैरिजन में कि आप लोगों को S7 Edge की क्लैरिटी वाली वीडियो अच्छी लगती थी या फिर आपको अभी ये एसुस वाली अच्छी लग रही है। दोस्तों, पोको की बात करें तो पोको F1 जो है बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन शाओमी ने लाया है, सबके मुंह बंद कर दिए, ऐसा स्मार्टफोन मार्केट में लाके पटक दिया है। पोको F1 की खास बात यह है दोस्तों कि पोको F1 में आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 845 का चिपसेट मिलता है, जो क्वालकॉम का अब तक का सबसे हाई एंड चिपसेट माना जाता है। साथ ही साथ आपको 6GB रैम के साथ में आपको 64GB की इनबिल्ट स्टोरेज भी मिल जाती है। आपको 128GB का भी एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और एक बड़ा वेरिएंट होगा जो 8GB रैम के साथ आएगा और 256GB की स्टोरेज आपको फोन में मिल जाएगी। फोन में आपको एक कूलिंग टेक्नोलॉजी वाला नया फीचर Xiaomi की तरफ से देखने को मिलता है। यह आपके फोन को ज्यादा हीट होने नहीं देता है। साथ ही साथ ऐसी कूलिंग टेक्नोलॉजी मोबाइल में प्रोवाइड की गई है जिसकी मदद से आपका फोन कभी लैग नहीं होगा। फोन अगर थोड़ा भी गर्म होता है तो आपको लैगिनेस फोन में नजर आती है, लेकिन ये कूलिंग टेक्नोलॉजी की मदद से आपका फोन कभी लैग नहीं होगा, हैंग नहीं होगा और बहुत ही स्मूथ परफॉर्मेंस आपको कंटिन्यूसली देता रहेगा। चाहे आप कोई भी हाई एंड गेमिंग खेलते रहे, जैसे कि आप हाई एंड गेम ज्यादा टाइम तक खेलते हैं तो फोन काफी गर्म हो जाता है, लेकिन ये कूलिंग टेक्नोलॉजी की वजह से आपका जो हाई एंड गेम भी है वो भी बहुत ही स्मूथ परफॉर्म करने लगेगा। दोस्तों, साथ ही साथ फोन में आपको नॉच डिस्प्ले दिया गया है, काफी कमाल का डिस्प्ले है, बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही साथ आपको बैटरी काफी अच्छी दी गई है फोन में, जो 4000 mAh की बैटरी है। फास्ट चार्जिंग डेफिनेटली आपको फोन में मिल जाता है, क्वालकॉम का क्विक चार्ज 3 दिया गया है और साथ ही साथ आपको डब्बे में फास्ट चार्जर भी इस बार मिल जाता है। दोस्तों, फोन में सबसे अच्छी बात यही है कि फोन में हाई एंड प्रोसेसर है, रैम अच्छा है, डिस्प्ले काफी अच्छा है और परफॉर्मेंस फोन की ओवरऑल बहुत ही अच्छी है। दोस्तों, कैमरे की बात की जाए तो कैमरा ठीक ठाक है, Redmi Note 5 Pro से थोड़ा बेहतर कैमरा इस बार इसमें डाला है। AI कैमरा आपको मिल जाता है, फेस अनलॉकिंग का सिस्टम सब कुछ आपको फोन में मिल जाता है। बहुत ही अच्छा सोचा समझा, मैं कहूँगा गेम चेंजर फोन है पोको F1 मार्केट में। दूसरी तरफ एसुस की बात की जाए तो एसुस जो फोन है वो 30,000 रुपये का है। दोस्तों, ये 21,000 का आपको पोको F1 मिलना शुरू होगा। अगर आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छे काम किए हैं तो डेफिनेटली आपको ये सेल में मिलने लगेगा। 29 तारीख से फ्लिपकार्ट पे सेल चालू हो रहा है। अगर अगरबत्ती धुआं हुआ सब कुछ हवन हवन कर लीजिए आप, क्योंकि ये फ्लैश सेल में मिलेगा और बहुत ही जल्दी फोन आउट ऑफ स्टॉक होता नजर आ जाएगा। एसुस की बात कर रहा था दोस्तों, एसुस में मुझे 4 बात बहुत अच्छी लगी फोन की बैटरी लाइफ बहुत ही कमेंडेबल है, डेफिनेटली एक हैवी यूजर का भी पूरा दिन आराम से ये निकाल देती है। दूसरी, इसकी साउंड क्वालिटी, मैंने सारे फोन अब तक मार्केट में यूज किए हैं लेकिन ऐसी साउंड क्वालिटी वाला फोन आपको कहीं भी देखने नहीं मिलेगा। ईयरफोन की बात कर लीजिए, बहुत ही कमाल का DTS साउंड आपको मिलता है। साउंड लवर्स, अगर म्यूजिक लवर्स कोई फोन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं एसुस जेनफोन 5G आपको रेकमेंड करूंगा। ईयरफोन की क्वालिटी ले लीजिए या स्पीकर की ले लीजिए, बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी आपको मिलती है। तीसरा, इसका डिस्प्ले काफी अट्रैक्टिव है, एमोलेड डिस्प्ले नहीं है फिर भी जो पैनल है काफी अच्छे कलर्स रिप्रोड्यूस कर देते हैं, तो डिस्प्ले भी काफी अच्छी फोन की मिल जाती है। और दोस्तों, चौथी खास बात इसका यह है, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी हमें देखने को मिल जाती है। कैमरे से मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि मैंने सैमसंग के कैमरे को यूज किया है, तो उतना अच्छा सैमसंग के कैमरे से कंपेरिजन में इसे नहीं कर सकता। बाकी सारी चीजें फोन में काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर मेरे ओपिनियन की बात करूं तो जैसा कि मैंने दोनों की स्पेसिफिकेशन आपके सामने रखी है, पोको F1 जो है बजट में आता है 21,000 से लेके आपको मिलना शुरू होगा जैसे जैसे आप हायर एंड पे जाएंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पोको F1 जिसके रेस्ट्रिक्टेड बजट है तो डेफिनेटली मेरी तरफ से पिक रहेगा, लेकिन हवन जरूर कराएं।
दूसरी तरफ जिनका बजट 30,000 रुपीज का है और एक्स्ट्रा प्रीमियम क्वालिटी वाला फोन चाहते हैं, मैं बता देता हूँ पोको F1 जो है इतना प्रीमियम लुक आपको नहीं देता है, थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज आपको फोन में किए जाते हैं, तो इसके लुक्स पे ज्यादा अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी जो आपको फीचर्स दिए हैं ना बहुत ही कमाल के हैं। तो जिनका बजट डेफिनेटली 21,000 रुपए के आसपास है तो डेफिनेटली पोको F1 ले सकते हैं। जिन्होंने ऑनर प्ले लिया है कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पोको F1 ने तो पूरी तरीके से उसको पछाड़ दिया है। और दूसरी तरफ जिनका बजट 30,000 है और एक पावर पैक फोन लेना चाहते हैं कैमरा छोड़ के, में जो सच्ची कैमरा अच्छा नहीं लगा कैमरा छोड़ के, तो डेफिनेटली Asus ZenFone 5Z काफी अच्छा रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करते जाइए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, कुछ पोको F1 के बारे में या Asus ZenFone 5Z के बारे में कुछ डिटेल में पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।